हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम दर्पण पर। दोस्तों, आप सभी को पता कि हम हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज रहेगा हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कि हम नदियों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो वह है टॉन्स नदी घाटी में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश डैश व्यास की सहायक नदी है? तो है मान खड व्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यास का उद्गम स्थल है? दोस्तों, व्यास का उद्गम स्थल है व्यास कुंड, और व्यास कुंड कहाँ है? कुल्लू जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में सिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है? दोस्तों, वह है सतलुज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है और भारतीय सीमा की सीमा में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रमुख नदियां बहती है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां बहती है, वह है दोस्तों सतलुज, उसके बाद व्यास, उसके बाद रावी, यमुना और चिनाब। और जो सतलुज है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? दोस्तों, जो चिनाब नदी है उसका वैदिक नाम है अस्कनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भांखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों, जो भांखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पर बना है, और किस जिले में है? दोस्तों, यह बिलासपुर जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सिपकी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और यह किन्नौर जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कनी नाम इस नदी से संबंधित है? दोस्तों, जो अस्कनी नाम है वह किस नदी से संबंधित है? वह है चिनाब नदी से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वह कहलाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे व्यास नदी छोड़ती है और कांगड़ा जिले को छोड़ती है वह कहलाता है मिर्थल। दोस्तों, यह मिर्थल नामक स्थान है जहाँ पर व्यास नदी कांगड़ा को छोड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, जो सतलुज नदी है वह मानसरोवर से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल क्षमता है? दोस्तों, जो अधिकतम जल क्षमता है वह सतलुज नदी में है, और जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, वह है चिनाब नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? दोस्तों, यह गिरी नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है? दोस्तों, जो पब्बर नदी है वह चांसल चोटी, उसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? वह है किन्नौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? किस जिले में बहती है? दोस्तों, बाणगंगा कांगड़ा जिले में बहती है, और किसकी सहायक नदी है? यह ब्यास की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वह संगम होता है, वो होता है तांडी नामक स्थान पर। दोस्तों, ये तांडी कहाँ है? यह लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका उत्तर रहेगा चिनाब नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों, पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर किया गया है, और ये पोंग बांध कहाँ है दोस्तों? यह कांगड़ा जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती? तो इसका उत्तर है गंगा। और भी नदी आए दोस्तों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन से लिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो पुरुषणी दोस्तों रावी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
ग्लेशियर निर्मित बांधल और तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? दोस्तों यह रावी नदी का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह करती है मिर्थल नामक स्थान पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, या यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड, और उत्तराखंड से जो यमुना नदी है इसका उद्गम स्थल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों जो व्यास नदी है वह इंदौरा व मिर्थल के बीच में वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? दोस्तों वह चिनाब नदी। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।